बार्सिलोना को अपने कलर्स कहां से मिले? तो जैसा हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना की किट में दो कलर प्रोमिनेंट होते हैं, ब्लू और रेड, और ब्लाउ ग्राना के नाम से भी बार्सिलोना को जाना जाता है, जिसमें ब्लाउ का मतलब होता है ब्लू और ग्राना का मतलब होता है डीप रेड। तो 13th December 1899 को बार्सिलोना को अपने कलर्स मिले, जहां पे शुरू के कुछ साल तक यानी 1910 तक इस ब्लू और डीप रेड शर्ट को व्हाइट शॉर्ट्स के साथ अकंपनी किया जाता था, और फिर उसके बाद इन व्हाइट शॉर्ट्स का कलर चेंज करके ब्लैक कर दिया गया, और उसके कुछ सालों के बाद इसको ब्लू कर दिया गया। इन कलर्स के पीछे की कहानी क्या है कि क्यों यही कलर्स यूज किए बार्सिलोना के फाउंडर्स ने? एक थ्योरी ये है कि जब जर्सी बन रही थी तो सिर्फ यही कलर्स अवेलेबल थे, एक प्लेयर थी उनकी मदर डिजाइन कर रही थी जर्सी और सिर्फ उनके पास यही कलर्स अवेलेबल थे। एक थ्योरी ये है कि उस टाइम पे जो बार्सिलोना के अकाउंटेंट्स थे उनके पास डबल बॉल पॉइंट पेन था जिसमें दो कलर्स होते थे ब्लू और डीप, लेकिन इन सब थ्योरीज को डिसरिगार्ड कर दिया गया और ये बोला जाता है कि इन कलर्स को अग्री कर लिया गया था, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन एक थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो ये है कि जोआन गैम्पर जो कि फाउंडर थे बार्सिलोना के, वो स्विट्जरलैंड के सिटीजन थे और वो स्विट्जरलैंड के क्लब एफसी बाजल के लिए खेले थे, जो कि 1893 में 6 साल पहले बार्सिलोना से एक्जिस्टेंस में आया था, और वो भी ब्लू और डीप रेड कलर की शर्ट्स पहन के खेलते थे, और क्योंकि जोआन गैम्पर उस टीम का हिस्सा थे माना जाता है कि शायद वो एक इंस्पिरेशन थे बार्सिलोना के ब्लाउग्राना कलर्स के लिए, क्योंकि अगर आप एफसी बाजल की जर्सी पर नजर डालें तो आज भी एफसी बाजल ब्लाउग्राना कलर्स को पहन के ही अपनी फुटबॉल खेलती है।